गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैचिटी बुक्स। यूथ कंसर्न टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जो बुक रिव्यू करने जा रहे हैं, आपकी जो डिमांड है सर, इंग्लिश की लेटेस्ट बुक लेकर आई है टेट एग्जाम्स के लिए। तो हम यूपी टेट, सी टेट और अदर टेट एग्जाम्स के लिए लेटेस्ट बुक लेकर आ चुके हैं। इस बार का जो कलेक्शन है वो 100 पार है, यानी 111 क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें लगभग 5520 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। यूपी, सी टेट, इसके अलावा आपका हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पी टेट, पंजाब और हरियाणा, सभी के आपको टेट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर का कलेक्शन पेपर वाइज मिलने वाला है। साथ ही साथ जितने भी लेटेस्ट पेपर 2022 तक हुए हैं सारे पेपर्स का कलेक्शन हम लेकर आए हैं, जिसमें 111 टोटल पेपर्स रहने वाला है। आपके प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल दोनों पेपर का इसमें कलेक्शन मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5520 इसमें रहने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंसर्न टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। ये बुक आपके नजदीकी स्टोर में भी अवेलेबल हो जाएगी, जहाँ से जहाँ जाकर इसे आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप इसकी ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड वर्जन YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप या आप हमारे जो ई वेब वर्जन है YCTpublication.com, वहां से परचेस कर सकते हैं। कुल लिंक्स मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंस्टा हो, जो वहाँ से आप इसे डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट YCTbook.com या हमारे एप्लीकेशन से इसका ऑर्डर आप बुक कर सकते हैं। बुक में कितने क्वेश्चन हैं, कौन कौन से क्या चीजें रहने वाली है, वो सारी चीजें हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो टेट एग्जाम देना चाहते हैं, जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज लिया हुआ है उनके लिए, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कोर्स आ चुका है, लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, 111 पेपर का कलेक्शन इसमें रहने वाला है। तो कौन कौन से पेपर इसमें रहने वाले हैं उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, वो चीजें हम डायरेक्ट आपको बताएंगे, क्योंकि लेटेस्ट पेपर आपको मिलना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, तो हम लेटेस्ट पेपर दे रहे हैं। जो पुनर्परीक्षा हुई थी 23 जनवरी 2022 को, वो पेपर आपको मिल जाएगा प्राइमरी का, और आपको 23 जनवरी का जूनियर का पेपर मिलने वाला है। तो प्राइमरी और जूनियर का पेपर मिल जाएगा आपको। निरस्त हुई थी जो पेपर, वो भी इसमें हमने इंक्लूड कर दिया हुआ है, जो आपका 28 नवंबर 2021 को होता फर्स्ट पेपर, वो आपको इसमें आपको मिलने वाला है। इसके अलावा 2019 के प्राइमरी और जूनियर का, जो 8 जनवरी 2020 को हुआ था, वो भी इसमें आपको मिलने वाला है। तो यूपी टेट के जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं, लास्ट 5 पेपर्स, वो हमने इंक्लूड कर दिए हैं प्राइमरी और जूनियर के। इसके अलावा मध्य प्रदेश का अभी पेपर हुआ था 2011 का, वो हमने इसमें इंक्लूड किया कर दिया है। इसके अलावा सी टेट के जितने भी पेपर आपके प्राइमरी और जूनियर के हुए हैं 2021 वाले, जो 2022 में हुए थे, जो डेट मैं बता दे रहा हूँ आपको, डेट देख सकते हैं, ये 1 जनवरी 2022 प्राइमरी जूनियर, फिर 3 जनवरी प्राइमरी जूनियर, फिर 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 21। इसके अलावा जो दिसंबर में कुछ सी टेट पेपर हुए थे, 16 दिसंबर 20, 21, 22, 23, तो 23 दिसंबर तक के सारे पेपर्स हैं इसमें आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपके 24 दिसंबर 27, क्योंकि ये लगातार पेपर हुए थे, 24, 27, 28, 29, 30 और 31, तो सभी दिन में जितने भी प्राइमरी के पेपर हुए हैं और जूनियर के पेपर हुए हैं, सभी पेपर इसमें आपको इंक्लूडेड मिलने वाला है। तो ये आपके सीटेट के पेपर हो गए, जो 2000 लेटेस्ट जो पेपर हुआ था 2021 का, जो कुछ पेपर 2022 जनवरी में हुए थे और दिसंबर में हुए थे। उसके पहले जो सीटेट का पेपर हुआ था, ये आपका 31 जनवरी को हुआ था 2020 वाला। इसके अलावा 2019 के जो पेपर हुए हैं, वो आपको 2 पेपर प्राइमरी, 2 पेपर जूनियर के मिल जाएंगे, 7 जुलाई और 8 दिसंबर का, 2018 के दिसंबर में हुए थे, 2016 का सितंबर में हुआ था, 21 फरवरी को जो पेपर हुआ था 2016 के, आपका सितंबर में जो हुआ था, फरवरी और सितंबर के पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा फरवरी और सितंबर 2014 के पेपर मिल जाएगा। इसके अलावा जुलाई में जो पेपर हुआ था 2013 में, नवंबर और जनवरी में 2012 में पेपर हुए हैं। प्राइमरी इंग्लिश का पेपर 2011 26 जून को हुआ था, जूनियर का 26 जून को हुआ था। तो ये पेपर आपको अवेलेबल सी टेट के, इतने सारे पेपर आपको अवेलेबल मिलने वाले हैं। ये सी टेट का हो गया। अब आप बात करते हैं यूपी टेट का, जो इसके पहले, ये अभी तक हमने जो बताया था 2021 तक के जितने भी 2019, 2021, 2022 में जो पेपर हुआ था वह मिल जाएंगे। अब यहाँ उसके पहले जो पेपर हुए हैं, 2018 में जो पेपर हुआ है प्राइमरी और जूनियर का, वो आपको मिल जाएगा, ये 18 नवंबर को हुआ था। इसके अलावा 2017 के पेपर, 2016 के पेपर इसमें आपको इंक्लूडेड मिलने वाले हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ 2021 तक का जो नंबर पेज नंबर है वो 377, 384 है। इसके बाद जो पेज नंबर स्टार्ट हुआ है 13A से लेकर 40A तक है। इसके बाद 2019 के जो पेपर है वो 1 से स्टार्ट हुआ है। तो पेज नंबर में कंफ्यूज ना होइएगा, ऐसे ही बुक में आपको रहने वाला है।
भाग वन भाग टू नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से भाग वन आप मान के चल सकते हैं ऊपर से, यहाँ से भाग टू मान के चल सकते हैं। भाग टू में ये जो पुराने पेपर है वो इसमें इंक्लूडेड कर दिए गए हैं। ये यूपी डेट के आपको यहाँ पे 2016 तक के पेपर मिल जाएंगे, और जो पेपर यूपी डेट के हैं वो आपको यहाँ से मिलने वाला है। 2011 से लेकर 2022 तक जितने पेपर हुए हैं यूपी डेट के, प्राइमरी का हो या जूनियर का हो, वो सब इंक्लूडेड है। उत्तराखंड टेट की बात करते हैं तो उत्तराखंड टेट के यहाँ पे 5 पेपर आपको मिल जाएंगे 2016 से 2011 तक के सारे पेपर है। छत्तीसगढ़ टेट का आपको 2 पेपर है, एक प्राइमरी का एक जूनियर का। बिहार टेट का एक प्राइमरी एक जूनियर का 2011 का। राजस्थान टेट के भी यहाँ पे आपको 4 पेपर मिल जाएंगे 2011 2016 प्राइमरी और जूनियर का। पंजाब टेट का भी आप प्राइमरी जूनियर का पेपर मिल जाएगा। हरियाणा टेट के यहाँ पे 3 पेपर हैं, 2 पेपर आपके जूनियर के मिलने वाले हैं, 1 पेपर आपका प्राइमरी का मिलने वाला है। तो यहाँ पे 3 पेपर आपके हरियाणा टेट के रहने वाले हैं। तो जो चीजें मैंने शुरू में बताई किसके स्टेट के पेपर रहने वाले, सारे स्टेट के पेपर मिल गए, यूपी टेट से लेकर सी टेट तक सारे पेपर इसमें हमने आपको इंक्लूड करके बता दिए हैं। अब यहाँ पे लेटेस्ट जो पेपर हुआ था 2021 का पुनर्परीक्षा 2023 को प्राइमरी लेवल का, ये प्राइमरी लेवल का जो पेपर हुआ था उसके यहाँ पे सोल्यूशन आपको डिटेल से दिए गए हैं। जैसा क्वेश्चन है ये है, द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न इज, कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, सिंपल है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल तो है नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा, ये कंपाउंड क्वेश्चन भी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, तो आंसर नंबर ए इसका सही होगा। तो कंपाउंड नहीं तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होता, ए ऑप्शन इसमें सही रहने वाला है। पूरी डिटेल इसके यहाँ पे मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट द लायर, लायर लिखा हो तो बाई का, द का पहले बाई का प्रयोग होगा, ए ऑप्शन इसका सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया सेंटेंस, द ऑब्जेक्शन वॉज नॉट मेट द लायर, पैसिव वॉइस में है, इसके लिए रिक्त स्थान पर बाई का प्रयोग होगा। पैसिव वॉइस को बनाने के नियम इस प्रकार है, अगर एक्टिव वॉइस ऐसे दिया गया है तो पैसिव वॉइस ऐसे आपका रहने वाला है। विकल्प इसका ऐसा ही है, तीनों विकल्प सही नहीं है। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम हैविंग टायर्ड ऑन टायरिंग बीइंग टायर्ड व्हाइल टायरिंग, तो इसका ऑप्शन जो सही रहने वाला है वो आपका ए ऑप्शन सही रहने वाला है, हैविंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, बच्चे थक कर घर चले गए, ऑप्शन ए सही रहने वाला है। और फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक ए सिंपल सेंटेंस, द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग इज वुड नॉट कीप अवेक, तो इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल के साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिस स्पेल्ड, गवर्नेंस एम्बिशियस डेडिशियस एंट्रेंस, क्या रहने वाला, गवर्नेंस की स्पेलिंग गलत रहने वाली है, ई एन सी की जगह ए एन सी ई होगा, गवर्नेंस होगा, और बाकी सब सही है यहाँ पे। तो अब ये ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मिस स्पेल्ड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपी टेट में, तो वो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, इसका है अटेंटिओट का रहने वाला है, इसके अलावा भी पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम्स आपका रहने वाला है, यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं। तो ये आपके जो पेपर है वो पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे सोल्यूशन हमने दे दिया। व्हाट इज ए वांट, हैट क्लॉथ स्टिक या बॉक्स, स्टिक होगा, सी ऑप्शन इसका सही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होपिंग, स्टैंडिंग जंपिंग रनिंग या सिंगिंग, होपिंग मतलब जंपिंग, अप्रोप्रिएट उसका जंपिंग रहने वाला है, कूदना भुदकना ये हो सकता है, जंपिंग माने कूदना, होपिंग माने भुदकना होता है, वहां पे आप देख सकते हैं। तो इसके यूपी डेट के ऐसे ही सारे ऐसे ही आपको पूरे डिटेल के साथ सोल्यूशन मिलने वाला है, पूरे क्वेश्चन में डिटेल के साथ आपको सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा, वो भी इजी लैंग्वेज में आपको सोल्यूशन दिया गया जिससे आप यहाँ पूरी तरह समझ सकते हैं। वो प्राइमरी का था, ये जो पेपर रहने वाला है ये आपका यूपी डेट का जूनियर का पेपर रहने वाला है, प्रश्न पत्र ये भी 23 जनवरी को ही हुआ था। बीज आर केप्ट इन ए नर्सरी ए पेंट्री एन एपरी एक्वेरियम, तो आपका एन एपियरी में रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। तो ये तो जूनियर का पेपर है, तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी और जूनियर लेवल इंग्लिश की, यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम किसी भी स्टेट से टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो ये बुक परचेज कर सकते हैं, लेटेस्ट बुक इंग्लिश की आ चुकी है, अदर सब्जेक्ट भी हमारे अवेलेबल हो चुके हैं। इसके पहले हमने संस्कृत का रिव्यू किया था, आज हम इंग्लिश का रिव्यू कर रहे हैं, जल्दी हम और भी सब्जेक्ट का रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो रिव्यू कर सकते हैं कैसा लगता है, जिसमें हम बुक के साथ साथ ई बुक भी आपको बता देते हैं, इससे आपको समझने में आसानी हो जाती है, और आप परचेज कर सकते हैं, लिंक्स आपको सारे मिल जाएंगे। आप हमें टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ये वीडियो कैसे लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कई साल बताइएगा कि दोस्तों को बुक आ चुकी है, जल्दी से परचेज करें और तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि तैयारी होगी तभी तो सफलता मिलेगी आपको। थैंक यू गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।